जनपद में शनिवार को ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। बदरका क्षेत्र स्थित ईदगाह में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए मुस्लिम समुदाय के हर वर्ग हर उम्र के लोगों ने नमाज पढ़ी, अमन चैन की दुआ के साथ खुदा की इबादत की। नमाज के लिए सुबह 7 बजे से ही नमाजी बदरका स्थित ईदगाह में हाजिर हो चुके थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुकद्दस पर्व बकरीद की नमाज अदा की गई। नमाज के उपरांत लोगों ने एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। ईदगाह पर उपस्थित रहे जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, एसपी अजय साहनी, ईओ नगर पालिका ने जनप्रतिनिधियों, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलम बदी, समाज सेवक प्रणीत श्रीवास्तव हनी और पूर्व पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव को पर्व की बधाई देती नजर आईं। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोगों को गले लगाया और उन्हें पर्व की मुबारकबाद दी। इस दौरान बदरका ईदगाह पर मेले जैसा दृश्य दिखाई दिया। नए नए परिधानों में सजे धजे बच्चों का उत्साह देखते ही बना। गौरतलब है कि मुस्लिम समुदाय के लोग दो ईद हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हैं, एक ईद जिसे मीठी ईद कहते हैं और दूसरी बकरीद। एक आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश अपने साथ लेकर आती है तो दूसरी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहने का सबक याद दिला जाती है। बकरीद पर अपनी सबसे करीबी चीज को भी अल्लाह की राह पर कुर्बान कर देने की भावना समाज के लोगों को मोह माया के भंवर से बचाने का काम करती है। नमाज उपरांत कुर्बानी का सिलसिला प्रारंभ हुआ। घरों में सेवई, नमकीन, हलवा के साथ विभिन्न पकवान बनाए गए। रमजान की समाप्ति के लगभग 17 दिनों बाद पड़ने वाले इस त्यौहार पर घर घर उत्सव का माहौल दिखाई दिया। पुलिस अधीक्षक अजय सहनी ने बताया कि पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ व्यापक स्तर पर साफ सफाई का कार्य कराया गया था। जनपद में पर्व सकुशल सम्पन्न हुआ। नमाज संपन्न हो गई है। बाकी यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से साफ सफाई और ये छिड़काव वगैरह सारी चीजें कराई गई हैं और सकुशल नमाज संपन्न हुई है। अब जो कुर्बानी है वो चल रही है लोगों की, वो भी हम लोग सकुशल संपन्न करा लेंगे और शांतिपूर्वक लोग त्यौहार को परंपरागत तरीके से मनाएं और इसमें पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। एक बार फिर सबको ढेर सारी मुबारकबाद। ये ईद उल अजहा का जो त्यौहार है जिसमें कुर्बानी की प्रथा चली आ रही है धार्मिक एतबार से, तो धार्मिक एतबार से तो कुर्बानी हम देते हैं, लेकिन सही मानों में पूछा जाए तो इससे एक संदेश मिलता है, एक दिशा निर्देश सामने खुल करके आता है कि दुनिया के अंदर जितने भी आलमे इंसान हैं उनकी सेवा की जाए, उनके लिए कुर्बानी दी जाए, अपने जर से, अपने माल से, रुपए से, पैसे से मदद की जाए। असली कुर्बानी यही होती है। और इसमें एक बात ये भी आती है कि जिस देश में रह रहे हैं इस देश की भी सेवा करें, इस देश के लिए भी कुर्बानी दें। प्रदेश के लोगों से, जिले के लोगों से कि आपसी सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाएं, कहीं कोई ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी भी संप्रदाय के लोगों के दिल पे ठेस पहुंचे। मैं सबसे पहले तमाम तलबा तलबात असाज़ा इकराम और कर्मचारियों और नगर वासियों जनपद वासियों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। ये पर्व आपसी सौहार्द के साथ हम सबको मनाना चाहिए। यह कुर्बानी का त्यौहार हम सब के अंदर एक कुर्बानी का नया जज्बा, नया जोश पैदा करता है और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत है जिसको हम सारे लोग अमल करते हैं। हम सबको यह मालूम है कि बिना किसी कुर्बानी के, बिना किसी त्याग के, बिना किसी जज्बे के हम किसी भी
صحیح چیز کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. ہم سب کو معلوم ہے کہ کئی سو سال تک ہمارا دیس غلام رہا اور ہمارے بزرگوں نے, ہمارے کرانتیکاریوں نے بہت سی قربانی دی. اس قربانی کے عوض میں تب جا کے ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی. اس لیے یہ پرو ہم سب کو اس بات کے لیے پریرت کرتا ہے, یہ جذبہ, یہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہم اپنے تئیں انسانیت کا جذبہ اور اپنے تئیں قوم و ملت اور ملک کی حفاظت کا جذبہ پیدا کریں ہوتا ہے. اور اس سے ہم تاکہ کسی بھی طرح کی اگر ملک کے سامنے اگر کوئی دقت ہو, عالم انسانیت کے آگے کوئی دقت پیش آئے تو ہم اس کے لیے ہنسی خوشی قربانی دے سکیں. یہ جذبہ یہ پرو ہمیں دیتا ہے. زہریلی شراب سے ہوئی موت کی گھٹنا کے بعد بھی جنپد میں اویدھ شراب کی تسکری بند نہیں ہو پائی. پولیس کپتان اجے کمار ساہنی کے وشیش نردیش پر جنپد میں اویدھ شراب کے خلاف چلائے جا رہے ابھیان کے تحت پھول پور کوتوالی نے شنیوار کو چار لگژری گاڑیوں میں لاد کر لے جائی جا رہی اویدھ شراب پکڑی. پولیس ادھیکشک گرامین نریندر پرتاپ سنگھ نے ای بی سی چینل کو بتایا کہ شنیوار دوپہر پھول پور کوتوالی پولیس کو یہ سفلتا ملی. چار لگژری گاڑیوں میں لاد کر لے جائی جا رہی 30 پیٹی زہریلی شراب کے علاوہ انگلش وائن کی بوتلیں بھی برامد ہوئی ہیں. کل تین آروپی اما شنکر یادو, تیرچراد یادو اور بالچند یادو کو گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ چار انیہ کی تلاش پولیس کر رہی ہے. ایس پی گرامین نے بتایا کہ برامد شراب کی قیمت لاکھوں میں ہے. بقرعید کی نماز اور قربانی کو لے کر اعظم گڑھ کے پولیس پرشاسن نے کافی پہلے سے تیاریاں کر لی تھیں. اسی کا پریڑام رہا کہ شنیوار کو ضلع بھر میں عید الجوہا کی نماز اور قربانی سکشل ڈھنگ سے سمپن ہوتی رہی. شہر کے بدرکا عیدگاہ سے لگایت سبھی چھیتروں میں پولیس کے ساتھ پی اے سی کے جوانوں کی تعیناتی کی گئی تھی. ضرورت کے انروپ کچھ استھانوں پر واہنوں کا روٹ ڈائیورژن ہوا تو وہیں بدرکا عیدگاہ والے راستے پر نماز کے وقت واہنوں کا آواگمن پوری طرح پرتبندھت کر دیا گیا تھا. شہری چھیتر کے علاوہ لوہرا, مبارک پور, بلریا گنج, نظام آباد جیسے مسلم باہل علاقوں میں بھی پولیس بل لگایا گیا تھا. پولیس ادھیکشک اجے کمار ساہنی نے ای بی سی چینل کو بتایا کہ لوہرا میں پولیس کے علاوہ پی ایس سی بھی لگا دی گئی ہے. ہائی کورٹ کے آدیش کا پالن اور تیوہار کو سکشل ڈھنگ سے سمپن کرانے کے لیے وہاں پولیس اور پی ایس سی کے ساتھ ایس ڈی ایم اور سی او کیمپ کر رہے ہیں. ضلع بھر میں شانتیپورن ماحول میں عید الجوہا کا تیوہار منایا جا رہا ہے. یہ بقرعید میں جو عید الاضحیٰ کا تیوہار ہے, اس میں سرکشا ویوستھا کا مد نظر باہر سے بھی کافی ماترا میں فورس ہے. تین کمپنی پی ایس سی اور باقی فورس جگہ جگہ ڈپیوٹ کی گئی ہے. صبح چار بجے سے ہی نماز کے جو بھی استھل ہیں, عیدگاہ اور مسجد, وہاں پر فورس دوارا ایک روٹین چیکنگ کی گئی ہے. اور ابھی ورتمان میں جنپد میں لگ بھگ 80% جگہوں پر نماز سمپن ہو چکی ہے. پریاپت فورس موومنٹ پہ ہے, کسی پرکار کی کوئی سمسیا نہیں ہے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں اعظم گڑھ سینسٹیو ایریا ہے, کئی جگہ مکس پاپولیشن ہیں, ان ساری جگہوں پہ فورس ڈپیوٹ کی گئی ہے. لوہرا میں ایک کمپنی پی ایس سی ڈپیوٹ ہے, سی او صاحب, ایس ڈی ایم صاحب وہاں پہ ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے 100 RHC الگ سے دیے گئے ہیں. وہاں بھی سکشل چیزیں سمپن ہو رہی ہیں, کسی پرکار کی کوئی سمسیا نہیں ہے. ادھر بقرعید کے تیوہار کو دیکھتے ہوئے شنیوار کو بجلی سپلائی میں بھی سدھار دیکھا گیا. ایک دن پہلے شکروار کو شہر میں کئی محلے 8 سے 10 گھنٹے اندھیرے میں ڈوبے تھے, جبکہ شنیوار کو شہر سمیت ضلع بھر میں بجلی سپلائی اچھی ملی. نگر میں پالیکا پرشاسن نے صفائی کا وشیش ابھیان چلایا تھا. آدھیشاسی ادھیکاری دنیش چندر وشکرما نے بتایا کہ ہر محلے میں بقرعید کو لے کر صاف صفائی وشیش ڈھنگ سے کی گئی. اور مسلم بھائیوں کا وشیش روپ میں اسلام دھرم کے پرتی آستھاوان بقرعید کا یہ پرمکھ تیوہار ان سے منایا جاتا ہے, جس میں مسلم بھائیوں دوارا صبح 7 بجے یا وبھن سموہوں پر ان سے نماز ادا کی جاتی ہے. اس سمبندھ میں نگر پالیکا پریشد چھیتر کے انترگت جتنے مسجد ہے,
जामा मस्जिद हुए या इमामबाड़ा वगैरह हुए, वहाँ पर हम 3 दिन पहले से ही सफाई अभियान शुरू कर दिए थे। नाले नालियों का भी उनसे बृहद स्तर से सफाई अभियान करवा दिए थे। और आज सुबह विशेष रूप से करीब 3 बजे हमारे सफाई कर्मचारी, हम सफाई नायक, सफाई इंस्पेक्टर और हमारे द्वारा करीब 4 बजे सड़क पर निकल गए थे। और इसमें विशेष रूप से हम लोग मतलब जहां पर मस्जिद है, इमामबाड़ा है, जहां भी ईदगाह वगैरह हैं, जहां नमाज अदा की जाती है, वहां विशेष सफाई अभियान पूरे शहर क्षेत्र के अंतर्गत भी विशेष रूप से लिया गया था आज के दिन। पिछले 48 घंटे के भीतर थम थम कर हुई बारिश ने सब कुछ तरबतर कर दिया। शनिवार को दिन में करीब 11 बजे तो अचानक काले बादल आसमान में छाए और देखते ही देखते बरसने लगे। आजमगढ़ शहर में तो इस बारिश का नजारा ही कुछ अलग दिखा। खूब जम के बारिश और दिन में ही लगा के रात हो रही हो। तो आपने देखा बारिश और बारिश के बाद का नजारा। बारिश के बाद बंदरों की पूरी फौज कुंवर सिंह उद्यान और आसपास के इलाकों में मौज मस्ती करती नजर आई। करीब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से खेत खलिहान सब भर गए। धान की फसलों के लिए तो यह पानी बहुत फायदेमंद रहा, लेकिन शहरी क्षेत्र में यह पानी कुछ ज्यादा ही हो गया। क्यों? क्योंकि यहां जल निकासी का बेहतर इंतजाम नहीं हो सका है। आलम यह था कि नगरपालिका का दफ्तर और उसके आसपास चारों तरफ पानी ही पानी था। शहर के रैदोपुर तिराहा, डीएवी मैदान, कालीचौरा, सिधारी, एलवल समेत कई मोहल्लों गलियों में सड़क पर जलजमाव की स्थिति बन गई थी। ऐसे में लोगों का कहना है कि पालिका प्रशासन कम से कम बारिश के पानी के निकासी का इंतजाम तो कर दे। ये आज बरसात हुई है, नगर पालिका द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। नाली जो है ऊपर आ जा रहे हैं, बरसात जब हो रहा है तो ये नगर पालिका को देखना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि हमारा रोड स्वच्छ रहे, जो बारिश हो रही है उसका पानी अच्छी तरीके से बहाया जाए। बरसात का आधा सीजन बीतने के बावजूद आजमगढ़ नगर पालिका प्रशासन नाला नाली की सफाई नहीं करा सका, जिसके कारण हर बारिश के बाद जलजमाव हो रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? यह सवाल एबीसी चैनल ने पूछा नगर पालिका आजमगढ़ के अधिशासी अधिकारी दिनेश चंद विश्वकर्मा से। उन्होंने कहा कि 6 बड़े नाले पूरी तरह जाम व अतिक्रमण के शिकार थे, 3 को साफ करा दिया गया है, जल्द ही जलजमाव का मुकम्मल इंतजाम हम लोग कर लेंगे। आजमगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर जनरली जलजमाव की समस्याएं होती हैं, ज्यादा से ज्यादा हमको इनक्रोचमेंट का सामना करना पड़ता है। कारण है कि जहां हमारे करीब प्रमुख 6 नाले जो हैं, बड़े नाले हैं, वो अधिकतर इनक्रोच हैं, जिसमें कि 3 हमने मुक्त करा दिए हैं और उसका सिल्ट वगैरह भी निकलवा दिए हैं। अभी 3 नालों का कार्य अतिक्रमण और सफाई अभियान जोर शोर से, जिसमें कि हमने बाहर से भी कुछ आदमी उनसे बुलवाए हैं जो कि विशेष वो नाले पर ही एक्सपर्ट के तौर पर उनसे सफाई कर रहे हैं। तो धीमे धीमे यहाँ पर जल भराव की समस्या दूर हो रही है, लेकिन अभी भी बनी हुई है।
बिन सावन झूला झूलना हो तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, बस अपना रुख कर लीजिए आजमगढ़ बलिया राजमार्ग की सड़क पर। वह भी बहुत दूर नहीं, बस सिधारी क्षेत्र स्थित शंकर जी की मूर्ति से तिवारीपुर तक का मार्ग ही काफी है। इस मार्ग पर इतने अनगिनत गड्ढे हो चुके हैं कि अरराह अब दुश्वारियों से भर उठी है। बरसात के पानी में किए गए थोड़े बहुत पैच वर्क बह गए हैं और इस समय यह राजमार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। मुख्य मार्ग और अत्यधिक व्यस्त इस मार्ग पर यातायात भी सर्वाधिक है। बड़े बड़े शिक्षण व चिकित्सा संस्थान हैं, बावजूद इसके इसका कोई पुरसाहाल नहीं है। मोदी योगी कुछ करें न करें राहगीर दुर्दशा के भोगी जरूर बन गए हैं। राजमार्ग की सड़क के जर्जर हाल से स्थानीय लोग, राहगीर सभी परेशान हैं। लोगों की यही अपेक्षा है कि काम हो रहा है तो काम बोलना भी चाहिए। यहाँ पर रोड खराब हो गया है, जनता के आने जाने में बहुत तकलीफ है। यहाँ कोई अधिकारी देख नहीं रहा है और बच्चों का स्कूल है इस जगह महादेवी, बच्चों का आने जाने में बहुत तकलीफ है। जनता कितनी गिर रही है इस जगह, घायल हो रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ के अधिकारी लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। बरसात के दिनों में कोड़ उस पर भी खाज की कहावत को चरितार्थ करती यह सड़क चीख चीख कर कह रही है कि न तो गड्ढों के हाल में ही परिवर्तन हुआ है और न तो सरकार की चाल में ही। बदरका निवासी नियाज अहमद ने सड़क की दुर्दशा से बात उठाते हुए कई बेबाक टिप्पणियां की, आप भी सुनिए। मऊ रोड आजमगढ़ के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मैं सिधारी से लेके और शंकर तिराहा के आगे, मतलब सागढ़ ये बाईपास जो बैठोली वाला है, यहाँ तक का इतना बुरा हाल रोड का है, जैसे पहले रहा सरकार में वही आज भी रहा सरकार में, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कितना गड्ढा है, कितना पानी है, किसी को पता नहीं। हर दिन गाड़ी का नुकसान होना, हर दिन लोगों को गिर जाना, हर दिन कोई न कोई चीज का मतलब सामने आ जाना, अचानक से जो है परेशानियां तमाम रहती हैं। और इस परेशानी को दूर करने वाला अब तक न कोई हुआ है, न कोई इस बारे में सोचा है। सरकार के बारे में यह कहना है कि हमने तो सोचा था कि सरकार बहुत अच्छी आई है, गड्ढा मुक्त का 15 जून तक का उन्होंने दिया था कि सारे गड्ढा मुक्त हो जाएंगे और सभी लोगों को चैन और आराम से जीने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक फॉर्मेलिटी जो है पीडब्ल्यूडी ने अपने तौर से किया है, जो कि खाली गड्ढा में पानी कहीं डाल दिया, कहीं ईंटा डाल दिया, कहीं मट्टी डाल दिया, और वो जो इतने गड्ढे थे बरसात होते ही सब अपने अपने यहाँ पर पहुंच गए। इसलिए कहना यही है कि मतलब उस गड्ढा से और इस सरकार से कोई परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक। अगर प्रशासन इस बात का ध्यान दे देती तो आज हम लोग यहाँ एक हाईवे रोड पर चल रहे हैं और हाईवे रोड के तरीके से अपनी गाड़ी को चलाते, इतना बच बचाव करके, इतना लोगों का सामना करते हुए, परेशानी का सामना करते हुए नहीं चलते जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं इस वक्त। छोटी बड़ी गाड़ी, जितने गाड़ी वाले हैं, सभी गाड़ी वाले, पैदल वाले, गांव के इस सड़क के अगल बगल रहने वाले सभी दुर्दशा से परेशान और बेहाल हैं इस वक्त। जिला मुख्यालय के सिधारी मोहल्ले में स्थित सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र राहुल प्रेक्षा गृह के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कुछ रंगकर्मी काफी खफा हैं। शनिवार को प्रेक्षागृह परिसर में पहुंचकर कुछ कलाकारों ने वहां धरना प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि राहुल प्रेक्षागृह की स्थापना ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर की गई थी, लेकिन यहां नगरपालिका प्रशासन पैसे लेकर व्यावसायीकरण कर रहा है और अपना मोटा मुनाफा कमा रहा है। इस दौरान रंगकर्मियों ने नारेबाजी भी किया। व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रेक्षागृह का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। पालिका प्रशासन पर लग रहे आरोप के बाबत एबीसी चैनल ने पूछा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश चंद विश्वकर्मा से। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि राहुल प्रेक्षागृह के बेहतर रखरखाव और वहां के कर्मचारियों के वेतन के लिए आर्थिक व्यवस्था जरूरी है, नियम व मानकों के अनुरूप ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति दी गई है। देखिए, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रिसोर्सेज नगर पालिका से जो भी आय बन पड़ते हैं उसी के माध्यम से यहाँ कर्मचारियों का और प्लस यहाँ का विकास का होता है,
और जहाँ तक राहुल प्रेक्षागृह की बात रही तो उनसे जादूगर भी एक तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम है, स्वच्छता संबंधित उन्होंने हमसे वादा किया है उसमें अपने पार्टिसिपेट के लिए और नगर पालिका परिषद के कोष में जमा कराए हैं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, इस वजह से हमने एक मुश्त करीब 30 दिन का दे दिए हैं और ये आज से नहीं, करीब उनसे एक महीना पहले से ही बुकिंग थी। और इस बीच अगर मान लीजिए किसी का रहता है तो उसको भाई हम वो कंपनसेशन वगैरह की मांग करेगा, तो इस वजह से बीच में अलाउ नहीं कर सकते हैं। शुक्रवार 1 सितंबर को इंडियन ऑयल ने अपना 58वां स्थापना दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाया। एसओसओ पर नगर पालिका क्षेत्र स्थित सुदर्शन दास अग्रवाल पेट्रोल पंप पर समारोह का आयोजन कर विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। कंपनी के अधिकारी इंद्रसेन वर्मा की उपस्थिति में केक काटा गया। हर एक ग्राहक हमारे लिए खास है की थीम पर मनाए गए स्थापना दिवस समारोह के दौरान कंपनी के अधिकारियों व डीलर ने ग्राहकों को बेहतर पेट्रोलियम उत्पाद प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पेट्रोल पंप के प्रोप्राइटर ने ग्राहकों को विश्वास दिलाया कि वह जिस तरह लोगों के भरोसे पर पहले खरे उतरते रहे हैं, आगे भी खरे उतरते रहेंगे, उन्हें बेहतर क्वालिटी व क्वांटिटी में पेट्रोल व डीजल प्रदान करते रहेंगे। शनिवार को कुंवर सिंह उद्यान में योग समिति की युवा भारत इकाई की आजमगढ़ शाखा को विस्तार प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि व केंद्रीय प्रभारी युवा भारत हरिद्वार के रामाशीष ने युवा भारत इकाई का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे युवाओं को योग के लिए प्रेरित करेंगे, उनके अंदर मद्यपान व नशा प्रवृत्ति को रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि युवा ही देश की दशा व दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युवा भारत इकाई पर यह गुरुतर दायित्व है कि वह युवाओं को सही रास्ता दिखाए ताकि देश का विकास सही रास्ते से हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए इकाई के लोग स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को युवा भारत अभियान से जोड़े और समय समय पर योग शिविर लगा समृद्ध नव भारत के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करें।